राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत आईपीएच विभाग पंचरुखी के तत्वावधान से ब्लॉक परिसर में खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सहायक अभियंता पंकज व्यास ने की। कार्यशाला में पेयजल शुद्धता पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान अशुद्ध पानी के प्रयोग से होने वाली बीमारियों पर भी बताया गया। पानी को कैसे शुद्ध करना है और इसे कैसे सहेज कर रखना है, इस विषय पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। प्राकृतिक जल स्रोत सुरक्षित रखने, उनके उचित रखरखाव व शुद्धता के बारे में भी उपस्थित लोगों को विस्तार से बताया गया। विभाग के सहायक अभियंता पंकज व्यास ने कहा कि विभाग शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि विभाग पानी की शुद्धता की बराबर जांच करता रहता है और शिकायत मिलने पर उसे तुरंत दूर करता है। इस मौके पर बाल विकास अधिकारी राजकुमारी, सरवन कुमार और बीआरसी विजय सहित पंचायत प्रधान भी उपस्थित थे। विभाग को ऐसे निर्देश हैं कि जो फील्ड स्टाफ है, जैसे एई हैं या एसडीओ हैं, इनके जो नंबर हैं मोबाइल नंबर, ये 24 घंटे ऑन ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत हो कि आप नॉट रीचेबल हो या इस तरह से हो, तो मतलब ऐसी स्थिति में ये टोल फ्री नंबर तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसका आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर वो होता क्या है, वो शिमला से वो फ़ोन आएगा, जैसे जेई को आएगा, अगर जेई ने उसे उस कंप्लेंट को उस जो समय सीमा निर्धारित किया उसमें उसने जेई ने अटेंड नहीं किया, तो वो उसके बाद वो एसडीओ को ट्रांसफ़र हो जाएगी वो कंप्लेंट, फिर उसको एसडीओ देखेगा। तो मतलब इस तरह से विभाग ने सिस्टम चलाया आप लोगों की सोचते। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पंचरुखी से उपेंद्र कटोच की रिपोर्ट।